हिसार से खबर मिल रही है जहां पर सोनाली फोगाट केस को लेकर महापंचायत हुई। महापंचायत में सर्वखाप का बड़ा फैसला लिया गया। 23 अक्टूबर को आदमपुर में परिवार जनसभा करेगा। 23 अक्टूबर को राजनीतिक दिशा होगी तय। कुलदीप बिश्नोई पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करें। पीएमसीएम मामले में सीबीआई की निष्पक्ष जांच करवाएं तो खाप की तरफ से एक बात कही गई। ये भी कहा गया कि राजनीतिक विरासत सोनाली की बहन रुकेश संभालेंगी। तो महापंचायत ने सर्वखाप का ये बड़ा फैसला। कुलदीप बिश्नोई पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करें। पीएमसीएम मामले में सीबीआई की निष्पक्ष जांच करवाएं। राजनीतिक विरासत सोनाली की बहन रुकेश संभालेंगी। तो बड़ा फैसला महापंचायत में लिया गया और 23 अक्टूबर की यहां पर बात कही जा रही है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को लेकर स्पष्ट यहां पर स्थिति को किया जाए। तो हिसार में आज महापंचायत हुई। सोनाली फोगाट केस को लेकर परिवार की तरफ से अपनी बात रखी गई और उसके बाद अब 23 अक्टूबर का दिन बताया जा रहा है जब फिर यहां पर बात रखी जाएगी। सोनाली का परिवार यहां मौजूद था। तो सोनाली हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज हिसार में महापंचायत हुई और इस महापंचायत में फैसला लिया गया। 23 अक्टूबर को आदमपुर में परिवार जनसभा करेगा। तो 23 अक्टूबर को राजनीतिक दिशा तय होगी और कुलदीप बिश्नोई पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करें। ये खाप की तरफ से बात कही गई। ये भी कहा गया कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। राजनीतिक विरासत सोनाली की बहन रुकेश संभालेंगी। तो ये बयान यशोधरा फोगाट यानी सोनाली फोगाट की बेटी की तरफ से सामने आया है। उनका परिवार आज मौजूद था महापंचायत में और ऐसे में अब 23 अक्टूबर का दिन बताया जा रहा है जब परिवार की तरफ से जनसभा होनी है और देखना यह होगा कि इस जनसभा में 23 अक्टूबर को जो आदमपुर में परिवार जनसभा करेगा उसमें राजनीतिक दिशा यहाँ पर तय होगी। तो हिसार से खबर जहां पर सोनाली फोगाट केस को लेकर महापंचायत आज हुई और महापंचायत ने सर्वखाप का बड़ा फैसला लिया गया। 23 अक्टूबर को आदमपुर में परिवार जनसभा